लोगों के खजाने में 9 कॉइन्स बहुत ही कीमती है, लेकिन उनमें से एक कॉइन नकली है और वो बाकी कॉइन से हल्का है। गोगो के पास एक तराजू है जिसपे वे करके उस कॉइन का पता किया जा सकता है। ये तराजू में दोनों तरफ कॉइन्स रखने पड़ेंगे और पता करना होगा वो नकली हल्का वाला कॉइन्स कौन सा है। समझ लीजिए, मैंने 4 कॉइन्स यहाँ रखा और 4 कॉइन्स यहाँ रखा, तो ये वाला साइड नीचे आ गया, मतलब हल्का वाला कॉइन दूसरे साइड में है। लेकिन वो कौन सा है, कैसे समझेगा? आपको इन कॉइन्स को वे करने की स्ट्रैटेजी सोचनी है कि कितने कॉइन्स को कैसे वे करेंगे जिससे आप सिर्फ 2 बार, हाँ सिर्फ 2 बार में पता कर सके कि नकली कॉइन कौन सा है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, सॉल्यूशन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हम 3-3-3 के 3 सेट बना लेंगे। अब पहले 2 सेट को लेंगे और एक तरफ 3 कॉइन्स रखेंगे और दूसरे तरफ 3 कॉइन्स रखेंगे। अगर दोनों बराबर आए, मतलब बचे हुए कॉइन्स में वो हल्का कॉइन है, और अगर इनमें से एक साइड ऊपर हो गया और एक साइड नीचे हो गया, मतलब ऊपर वाले साइड में हल्का वाला कॉइन है। मतलब पहली बार तराजू को यूज करने में हमें 3 कॉइन्स ऐसे मिल जाएंगे जिसमें से एक कॉइन हल्का है। अब ये स्ट्रैटेजी वापस यूज करेंगे और इस बार एक एक कॉइन रखेंगे। अब अगर तराजू बैलेंस रहा, मतलब बचा हुआ कॉइन हल्का है, और अगर एक साइड ऊपर गया और एक साइड नीचे गया, मतलब ऊपर वाला साइड हल्का है और वो वाला हल्का कॉइन है, मतलब बस 2 बार में हमें हल्का कॉइन मिल गया। गोगो तो ये समझ जाता है और हल्का कॉइन पता कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अब लिंक्स का एक और इंटरेस्टिंग रिडल देखते हैं। मेरे पास 3-3 लिंक्स के 4 पीसेस है। अब मुझे इनको राउंड में जोड़ना है कुछ इस तरह से। ज्वाइन करने के लिए मुझे लिंक को ऐसे काटना पड़ेगा और दूसरे लिंक में ऐसे डालना होगा, तो लिंक्स ज्वाइन हो जाएंगे। अब सोचिए और मुझे बताइए मुझे लिंक्स में कितने कट्स करने पड़ेंगे जिससे मैं ये पूरे 12 लिंक्स को एक सर्कल में ऐसे जोड़ सकूं। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आपका आंसर आ गया होगा 4, लेकिन आप इसे 3 लिंक्स कट करके भी जोड़ सकते हैं। अगर आपको वापस सोचना है ये कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो को पॉज करके वापस सोचिए। एक ही पीस के तीनों लिंक्स को कट कर लीजिए। एक लिंक को यूज करके अब बाकी 2 पीसेस को ऐसे जोड़ सकते हैं। दूसरे से ये जुड़ जाएगा और तीसरे से ये जुड़ जाएगा, तो 12 की 12 जुड़ गए। सही था ना ये? चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक पिता मरने वाले थे, उनके पास 17 लग्जरी कार्स थी और वो अपने तीनों बेटों को ये देना चाहते थे। सबसे बड़े वाले लड़के को वो आधी कार देना चाहते थे, बीच वाले को 1/3 कार देना चाहते थे और सबसे छोटे वाले को 1/9 कार देना चाहते थे। अब पिता की डेथ हो जाती है और तीनों भाई आपस में लड़ने लगते हैं कि कार कैसे बटेगी, क्योंकि 17 का आधा तो 8.5 होता है। ऐसे में तो सबकी कार फ्रैक्शन में आ रही थी, अब कार बटेंगी कैसे? तभी वहां से मेहुल अपनी कार में जा रहा था। उसने ये सब देखा और वहीं रुक गया। उसने बोला, तुम मेरी कार ले लो तो तुम लोग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन कैसे? मेहुल की कार लेने से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो जाएगी? सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। मेहुल ने अपनी कार उनको दे दी तो उनके पास टोटल 18 कार्स हो गई। तो बड़े वाले ने आधी कार्स रख ली, मतलब 9 कार्स। बीच वाले ने 1/3 कार रख ली, मतलब 18/3, 6 कार्स। और छोटे वाले ने 1/9 कार रख ली, 18/9, मतलब 2 कार्स। तो टोटल हो गया 9+6+2, मतलब 17 कार्स। तो 17 कार्स उनकी बढ़ गई। अब बची बस एक, मेहुल की कार। मेहुल ने अपनी कार ली और वहां से निकल गया। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। धमाका सिंह जेल में फंसा हुआ है। जेल से बाहर निकलने के लिए उसे ये बटन्स में से 2 बटन्स को प्रेस करना होगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हर रो और हर कॉलम में 2 या 3 बटन्स हैं और ये सारे बटन्स ग्रीन हैं। इनको प्रेस करते से ये रेड हो जाते हैं। अब धमाका सिंह को ऐसे 2 ग्रीन बटन्स को प्रेस करके रेड करना है, जिससे हर रो और हर कॉलम में 2-2 ग्रीन बटन्स हो जाए। जैसे अगर मैंने यहाँ पे 7 को प्रेस कर दिया तो 3rd कॉलम में बस 11 वाला बटन ही ग्रीन रह जाएगा और 2nd रो में बस 8 वाला बटन, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सोचिए और मुझे बताइए कौन से 2 बटन प्रेस करना होगा धमाका सिंह को, जिससे हर रो और हर कॉलम में 2-2 ग्रीन बटन्स हो जाए। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। लास्ट वाले कॉलम में देखिए 3 ग्रीन बटन्स हैं, मतलब 1 बटन इनमें से प्रेस होगा।
अब इसकी रो देखते हैं। पहले दो रो में दो दो ग्रीन बटन है, मतलब लास्ट रो वाला बटन प्रेस करना होगा, तो एक बटन 16 हो गया। अब फर्स्ट और लास्ट कॉलम में भी तीन बटन है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट रो में दो दो बटन ही है, तो ऑब्वियस है थर्ड रो का बटन 9 प्रेस करना होगा, तो 9 और 16 को प्रेस करना होगा। धमाका सिंह 9 और 16 को प्रेस करता है और हर रो और हर कॉलम में दो दो ग्रीन बटन हो जाते हैं। जेल खुल जाता है और धमाका सिंह उसमें से भाग जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रमन अपने दोस्त के घर पहुंचता है। घर काफी भूतिया लग रहा था। रमन डरता हुआ घर में घुस जाता है। घर में काफी अंधेरा था, तभी उसे सामने तीन बल्ब दिखाई देते हैं, लेकिन ये बल्ब चालू कैसे होंगे? रमन उनके स्विचेस ढूंढता है तो स्विचेस फर्स्ट फ्लोर पे थे। ये कैसा घर है, बल्ब तो नीचे है लेकिन स्विचेस ऊपर है। अब रमन तो फर्स्ट फ्लोर पे आ गया है, अब उसे बस एक बार नीचे जाना है और समझना है कि कौन से स्विच का बल्ब कौन सा है। तो लॉजिकल में आप सोचिए, रमन कैसे इन स्विचेस को यूज करेगा, कैसे इनको प्रेस करेगा कि बस वो एक बार नीचे जाके समझ जाएगा कि कौन से बल्ब का कौन सा स्विच है। सोचिए सोचिए लॉजिकल आर्मी। रमन एक बटन को प्रेस करके थोड़ी देर वहीं रुक जाएगा, फिर वो उस बटन को बंद कर देगा और दूसरी बटन चालू कर देगा और फिर वो नीचे आ जाएगा। जब वो नीचे आएगा तो एक बल्ब चालू होगा, मतलब जो उसने सेकंड नंबर पे बटन प्रेस की वो उस बल्ब की स्विच हो गई। अब वो बाकी दोनों बल्ब को हाथ लगा के देखेगा और जो बल्ब गर्म होगा वो पहले वाले स्विच का बल्ब हो गया। तो इस तरीके से बस एक बार में नीचे आके वो समझ गया कि कौन से बल्ब की कौन सी स्विच है। चलिए लॉजिकल आर्मी अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने तीन जार है, एक 8 लीटर का है, एक 5 लीटर का है और एक 3 लीटर का है। 8 लीटर का जार फुल है और 5 और 3 लीटर के जार खाली है। अब इन जार्स को यूज करके आपको 1 लीटर दूध निकालना है, तो सोचिए लॉजिकल आर्मी, इन जार्स को यूज करके आप 1 लीटर दूध कैसे निकालेंगे? सोचिए सोचिए। ये रिडल्स लगते डिफिकल्ट है लेकिन बहुत इजी होते हैं। अब 3+3 6 होता है और 6-5 होता है 1। इसी को यूज करके हम इसे सॉल्व करेंगे। पहले 3 लीटर के जार को भर लेंगे, फिर उसे 5 लीटर में डाल देंगे, तो 5 लीटर जार में 3 लीटर दूध हो जाएगा। फिर वापस से 8 लीटर वाले जार से 3 लीटर भर लेंगे और 3 लीटर को वापस 5 लीटर में डालना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि उसमें बस 2 लीटर की जगह बची थी, तो 2 लीटर बाद वो फुल हो जाएगा और 3 लीटर वाले जार में बस 1 लीटर बचेगा। तो था ना ये सिंपल। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 पंडित और 3 राक्षस नदी के इस पार खड़े हैं। सभी को नदी पार करनी है। अब समस्या ये है कि नदी पार करने के लिए बस एक बोट है और उस बोट में बस 2 लोग ही जा सकते हैं। अब अगर राक्षस का नंबर पंडित के नंबर से ज्यादा हो गया तो राक्षस पंडित को कहा जाएंगे। जैसे अगर 2 पंडित पहले निकल गए तो यहाँ 1 पंडित बचेगा, तीनों राक्षस मिलकर उसको कहा जाएंगे। तो अब आपको ये देखना है कि पंडित के नंबर्स कभी भी राक्षस के नंबर से कम ना हो, इक्वल चलेंगे। तो पॉज कीजिए, अच्छे से सोचिए कि वो नदी पार कैसे करेंगे। इस रिडल को इजीली सॉल्व करने के लिए बस ये ध्यान रखना है कि प्रीस्ट को पहले नदी क्रॉस करा देनी है। एक बार उनने नदी पार कर ली, फिर राक्षस तो आसानी से रिवर क्रॉस कर लेंगे। सबसे पहले 2 राक्षस रिवर क्रॉस करेंगे, एक रुकेगा और एक वापस आ जाएगा। उसके बाद वापस 2 राक्षस रिवर पार करेंगे, एक रुकेगा और एक वापस आ जाएगा। अब 2 पंडित रिवर क्रॉस करेंगे और उस तरफ पहुंच जाएंगे। तो अब इस तरफ 1 राक्षस और 1 पंडित हो गए, उस तरफ 2 राक्षस और 2 पंडित हो गए। अब 1 राक्षस और 1 पंडित बोट लेके वापस आ जाएंगे और फिर 2 पंडित बोट लेके रिवर क्रॉस कर लेंगे। अब आपने तीनों पंडित को रिवर क्रॉस करा दी है, अब बचा हुआ 1 राक्षस बोट लेके वापस आ जाएगा। फिर 2 राक्षस बोट लेके जाएंगे, एक रुकेगा एक वापस आ जाएगा और फिर बचे हुए दोनों रिवर क्रॉस कर लेंगे। तो सारों ने रिवर क्रॉस कर ली। ऐसी और हार्ड पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।